नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों सबसे पहले आप सभी को हमारे देश की आजादी का पर्व यानी कि 15 अगस्त की हार्दिक बधाई तथा शुभकामनाएं मैं देना चाहूंगा और साथ ही उम्मीद करूंगा कि हम सभी मिलकर के हमसे जितना भी हो सके उतना देश के प्रति योगदान करें और देश को आगे बढ़ाने में मदद करें। दोस्तों आज बात करेंगे फिल्म कार्तिकेय 2 की। कार्तिकेय 2 का प्रथम दो दिनों का कलेक्शन कितना रहा है और आज ये फिल्म कितना कलेक्शन कर सकती है। तो दोस्तों दरअसल ये एक तेलुगु मूवी है लेकिन इसको हिंदी, तमिल, मलयालम, कन्नड़ा कई भाषाओं में डब करके रिलीज किया गया है। फिल्म काफी बेहतरीन है। निखिल सिद्धार्थ इसमें प्रमुख भूमिका में है। अनुपम खेर तथा अनुपमा भी इसमें एक खास रोल में है। काफी अच्छी मतलब उनकी केमिस्ट्री देखने को मिल रही है और बहुत ही बेहतरीन ये फिल्म है। रोमांच से भरपूर है, एक्शन थ्रिलिंग मूवी है, VFX बहुत ही जबरदस्त माइंड ब्लोइंग और एक्शन सिक्वेंसेज के तो क्या कहने, बहुत ही जबरदस्त इसमें एक्शन सिक्वेंसेज आपको देखने को मिलती है। काफी अच्छी फिल्म है, भारतीय संस्कृति सभ्यता के अनुरूप है। भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन है, उनके बारे में काफी कुछ इस फिल्म में कहा गया है। तो दोस्तों बहुत ही बेहतरीन प्योर हिंदुस्तानी फिल्म है। 15 अगस्त पर आप ये प्योर पूर्णतः शुद्ध स्वदेशी हिंदुस्तानी भारतीय कल्चर, भारतीय सभ्यता संस्कृति से परिपूर्ण ये फिल्म है और बहुत ही अच्छी फिल्म है। अगर आपने नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा। दोस्तों जहां तक इसके कलेक्शन की बात करें तो दोस्तों इस फिल्म का जो पहले दिन का कलेक्शन आया है वो करीब रहा है 5.05 करोड़ रुपीज, जिसमें से तेलुगु में ज्यादा वर्जन, तेलुगु वर्जन में इसका कलेक्शन आया 4.97 करोड़ रुपीज का और हिंदी में केवल 8 लाख रुपए का। अब दोस्तों हिंदी में इतना कम कलेक्शन इसलिए आया है कि इसको ज्यादा शो नहीं मिले हिंदी के अंदर, ज्यादा पब्लिसिटी इस फिल्म की नहीं की गई थी। सेकेंड डे कलेक्शन आया है 6.33 करोड़ रुपीज, इसमें तेलुगु का इसका रहा है 5.99 करोड़ रुपए और हिंदी का रहा है 34 लाख का। मतलब काफी अच्छा जंप हिंदी को, हिंदी वर्जन में इसने सेकेंड डे यानी कि कल दिखाया है। पहले इस फिल्म के मात्र 30 शो थे, फर्स्ट डे हिंदी में केवल 30 शो थे, 30 से सीधे 10 गुना इसके शो बढ़ गए और 300 शो पर अब ये फिल्म हिंदी में चल रही है। तो और आज इस फिल्म के शो और बढ़ने वाले, क्योंकि आप जानते हैं कि रक्षाबंधन तथा लाल सिंह चड्ढा दोनों ही बॉक्स ऑफिस पर उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही है और दोनों के शो कैंसिल करने पड़ रहे हैं। तो इसका फायदा सीधा सीधा कार्तिकेय 2 को होने वाला है क्योंकि यह एक बेहतरीन फिल्म है। और दोस्तों जहां तक आज की बात करें तो आज ये फिल्म कम से कम 7 करोड़ रुपए का, 6.5 से 7 करोड़ रुपए का कलेक्शन करने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस फिल्म का जो तीन दिनों का कलेक्शन है वो जाता है 18.38 करोड़ रुपीज, जो कि बहुत ही अच्छा है और फिल्म सुपरहिट होने की ओर बढ़ रही है क्योंकि फिल्म का बजट मात्र 40 करोड़ रुपए है। तो तीन दिनों में फिल्म करीब 18 करोड़, मतलब अपने बजट का 50% कवर करने जा रही है। तो फिल्म आराम से बॉक्स ऑफिस पर हिट हो सकती है और बड़ी हिट भी साबित हो सकती है, और अगर इसको हिंदी ऑडियंस का सपोर्ट मिल गया तो ये फिल्म ब्लॉकबस्टर भी साबित हो सकती है। अब दोस्तों यहाँ मैं आपको एक बात और बता दूं, जहां लाल सिंह चड्ढा को भी मतलब तमिल और तेलुगु में रिलीज किया गया था वहां उसके कलेक्शन आए 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, इस तरह से कलेक्शन आ रहे हैं उसके, और बुरी तरह से फिल्म डिजास्टर साबित हो चुकी है तमिल और तेलुगु में। वही दोस्तों ये फिल्म कार्तिकेय 2 जिसमें कोई जाना माना चेहरा नहीं है, कोई बड़े स्टार नहीं है, कोई हाइप नहीं है, कोई पब्लिसिटी नहीं है, इस स्टार ने, निखिल सिद्धार्थ ने आमिर खान जैसे सुपर स्टार को धूल चटा दी है यहाँ पे। मतलब मैं साफ साफ कह रहा हूँ तेलुगु में और तमिल में तो इसने बिल्कुल ही मतलब सुपड़ा साफ कर दिया लाल सिंह चड्ढा का, और हिंदी में अगर इसको अच्छे शोज मिल गए तो ये फिल्म हिंदी में भी इन दोनों फिल्मों को जबरदस्त टक्कर देने वाली है। मैं आपको गारंटी से इस बात को कहने जा रहा हूँ। जहां लाल सिंह चड्ढा के कलेक्शन तमिल और तेलुगु में 1 लाख 2 लाख रुपए ऐसे आ रहे हैं, वहीं इस फिल्म के कलेक्शन मतलब अगर आज की भी बात करें तो करीब 7 करोड़ रुपए का कलेक्शन इस फिल्म का वहां से आने वाला है। तो दोस्तों एक छोटी सी फिल्म ने, एक छोटे से स्टार ने एक बहुत बड़े स्टार को एक तरह से अपनी मतलब एक जो होती है ना स्थिति, जो परिस्थिति है, आप औकात बोल दीजिए, वो दिखा दी अच्छी तरह से। आप इस बारे में क्या सोचते हैं आप कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपने कार्तिकेय 2 देखी है तो कृपया मतलब बताइएगा कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। और दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद। भारत माता की जय।